हेलो, मैं भूमिका इस चटपटी कहानी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। कहानी का नाम है कुसंग का फल। गंगा तट पर एक विशाल वृक्ष था, उस पर सैकड़ों पक्षी मिलजुल कर रहते थे। उसी वृक्ष पर एक वृद्ध गिद्ध भी रहता था। उम्र की अधिकता ने उसकी दृष्टि छीन ली थी, जिस कारण वह कहीं आने जाने और भोजन की व्यवस्था करने में असमर्थ था। पेड़ पर रहने वाले सभी पक्षी अपने भोजन से कुछ हिस्सा उसे दे देते थे, जिससे उसका भरण पोषण हो जाता था। बदले में वह उन्हें अपने विशाल अनुभव से ज्ञान और व्यवहार की बातें बताता था, साथ ही उनके बच्चों की देखभाल और शिक्षा का दायित्व उठाता था। इस प्रकार वे सब एक परिवार की भांति बड़े सुख चैन से रहते थे। दिन में वे सब भोजन की खोज में चले जाते थे, तब गिद्ध उनके बच्चों को तरह तरह की कहानियां सुनाकर व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करता था। एक दिन कहीं से एक बिलाव उस वृक्ष के पास आ गया। उसने पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों को देखा तो उसने सोचा कि कई दिनों के भोजन का प्रबंध हो गया। लेकिन जब वह पास आया तो उसकी आवाज सुनकर गिद्ध सतर्क हो गया और तेज स्वर से बोला, कौन है? गिद्ध की आवाज सुनकर बिलाव डर गया। उसने गिद्ध को नहीं देखा था, उसे लगा कि उसका अंत समय आ गया, क्योंकि गिद्ध उसे मार डालेगा। जान बचाने के लिए उसने बहुत विनय पूर्वक स्वर में उत्तर दिया, मैं एक बिलाव हूँ। मैं आपके अपार ज्ञान और अनुभव से शिक्षा लेने आया हूँ। गिद्ध पुनः बोला, तुम एक मांस भोजी जीव हो, तुम मांस खाते हो, तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें मार डालूँगा। बिलाव गिड़गिड़ा कर बोला, मैं बहुत सदाचारी हूँ, मैंने मांस भक्षण कब का छोड़ दिया है। अब तो मैं दान धर्म पूजा पाठ करता हूँ। मैं केवल आपसे ज्ञान की बातें सुनने के लिए इतनी दूर आया हूँ। आप मुझे यही नीचे रहने की अनुमति दे, मुझसे आपको कोई शिकायत नहीं होगी। बिलाव के बार बार प्रार्थना करने पर गिद्ध मान गया। उसने उसे नीचे रहने की अनुमति दे दी। बिलाव कुछ दिन संयम पूर्वक बिना दूसरे पक्षियों की नजर में आए रहा। इस बीच उसे यह भी ज्ञान हो गया कि गिद्ध अंधा है। फिर उसने पक्षियों के बच्चों को खाना शुरू कर दिया। उनको खाकर वह हड्डियां गिद्ध के क्वार्टर में चुपचाप रख देता था। अंधे गिद्ध को इसका पता नहीं चल पाता था। शाम को जब पक्षी वापस आते तो अपने बच्चों को न देखकर बहुत दुखी होते। एक दिन उसने बाकी सारे बच्चों को खा लिया और भाग गया। शाम को पक्षी वापस आए तो घोंसले खाली पाकर बच्चों को ढूंढने लगे। देखते हुए जब वे गिद्ध के क्वार्टर में पहुंचे तो वहां उन्हें बच्चों की हड्डियां मिली। उन्होंने समझा कि गिद्ध ने ही उनके बच्चों को खाया है। सबने मिलकर गिद्ध को मार डाला। इस प्रकार कुसंग के कारण गिद्ध मारा गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कुसंग का परिणाम सदैव बुरा ही होता है, इसलिए कुसंग से हमेशा बचना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं
नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।